से एक ट्रक लेके आए हैं यहीं पे। ड्राइवर साहब हैं, इनसे हम जानकारी ली थी। कितने लोग आए, कितने लोग लेके आए? सर 50 लोग। कहाँ से लेके आए हैं? इंदौर से सर। प्रॉपर इंदौर से? हाँ सर। तो भाड़ा कितना लिए उन लोगों? कितना लिए? हैं 38 सर। हैं कितना लिए सर? 38। एक आदमी किससे कितना लिए? अब जोड़ लो 50 आदमी के कितने बन रहे एक आदमी के? 38,000। डीजल कितने का लग गया? अभी लग गया 15,000 का, वो डलाना पड़ेगा 15,000। खाली जाएगी गाड़ी तो अब बॉर्डर सील हो गया मालूम है कि नहीं? बॉर्डर सील नहीं, इधर जाएंगे एमपी में। संपो एमपी में जाएंगे? एमपी में ही जिले के बॉर्डर सील हो गए मालूम है? जाते हैं कलेक्टर ऑफिस। क्या होता है कलेक्टर ऑफिस? क्या होता है कलेक्टर ऑफिस? चलिए यह दिखे ना अपना कि इंदौर से जो है ट्रक से लेके लोग आए हैं। यह मधुरी माँ बालक छात्रावास माँ 68 लोगों का रखा गया है। और वो आगे के हालात हम दिखाई थे अपना का। यह आए मधुरी के छात्रावास जहाँ जो उन्हें लगभग 68 लोगों का क्वारंटाइन किन गया है। इनसे हम जायजा ले आए हैं कि क्या व्यवस्था है, इनका क्या व्यवस्था है खा पिए। एक केला मिला था, एक बाहर लेके बिस्कुट हो गया। एक केला मिला था, एक बिस्कुट हो गया। सुबह भजिया मिला था, हो गया। एक तुम रुक के बाकी सब चले जाओ। देखिए सब चले जा रहे हैं, पर आप दिखाइए कि यहाँ खाना नहीं मिल रहा है सुबह से। कुछ एक व्यक्ति आया रुकेगा, और एक संतरा दिया गया है। हमारे पास 97% है, ठीक है 35% है। जबरदस्ती यहाँ हम लोग को बैठ दिया गया है, और न खाना दे रहे हैं न कुछ। एक केला दिए हैं, एक संतरा बस। चलिए ठीक है, हम पूछे थे। हमारे साथ है यहाँ के डॉक्टर अतुल जी। नहीं यहाँ पे कौन है मैनेजमेंट करने वाला? कौन? देखिए ये सीमो की ओर से। चलिए क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिनेश गुर्जर। ये बताइए यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, एक केला एक संतरा दिया जा रहा है। केला संतरा इनको नमकीन दे चुके हैं, समोसे दे चुके हैं, और खाना ये आ चुकी गाड़ी आने वाली बस। नहीं कितने आपने खाना खाया है कि नहीं अभी? मैंने भी नहीं खाया है। 2 बज रहे हैं। ये बताइए ये लोग पैदल कहाँ से चल के आए हैं, कितनी दूर से? देखिए मैंने सूचना आगे पहुंचा दी है। हाँ। मेरा काम तो यही है ना। हाँ। सूचना आगे पहुंचाना। तो मतलब यहाँ कितने लोगों को रखा गया है? 68 लोग है। 68 लोगों का रखा गया है, और गाली गलौज की जा रही है इनसे? नहीं, कोई गाली गलौज नहीं की। अभी लोग बता रहे हैं कि हमको पुलिस वाले गाली दे रहे हैं। मैं हूँ यहाँ, कोई किसी को गाली नहीं दी गई है। चलिए आइए आइए, मैं पूछवा रहा हूँ ना आपसे, आइए। क्यों गाली किसने दी है तुम लोग को? पुलिस वाले दिया कर, माता चलो लाठी से मारेंगे। देखिए जिस प्रकार, अरे आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्होंने यही कहा था कि इकट्ठा मत होइए। पानी के लिए बोले हैं, पानी के लिए। हमारा आदमी सरपंच है, हमारा मिला है 12:20 पे। एक एक केला मिला है, एक एक केला, एक एक बिस्कुट। नाश्ता नाश्ता के लिए बोला है। यहाँ कितने बेड की व्यवस्था की गई है? 100 बेड है, 100 बेड। सोबे पहुड़े की व्यवस्था है? चुप रहा यार, सोबे पहुड़े की व्यवस्था है? सोने के लिए व्यवस्था है सर, पानी का व्यवस्था नहीं, लेट्रिन लगा है, पानी नहीं है। पानी और लाइट बंद कर दिया गया है सर, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल लाइट भी काट दिया गया है। हम लोग किसी तरह से गुजरात से चल के पैदल यात्रा यहाँ तक भूखे प्यासे पहुंचे। ज्यादातर लोग कहाँ से आए हो? हम लोग गुजरात से आए हैं, सूरत से। सीधी के हैं, बाहरी पढ़ने वाले हैं, बाहरी अमेलिया के। एक एक आदमी बोलो यार। हम लोग गुजरात सूरत से पैदल यात्रा करते हुए अपने भूखे प्यासे पैदल लंगे से चले, और मैं किसी तरह से किसी सहायता से यहाँ तक पहुँचे। गुजरात बॉर्डर से हमने गाड़ी किया,
गाड़ी के माध्यम से मैंने अपने जिले सीधी में पहुंचा। सीधी के माध्यम से हम लोग का जो भी टेस्ट हुआ उसमें कोई भी संक्रमण नहीं पाया गया है, हम लोग स्वतंत्र हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ कैसे कैद कर दिया गया ये पता नहीं चला है। नहीं तो ठीक है, कैद किया गया है तो इंतजाम है? इंतजाम नहीं है सर, खाने का अभी भी देखा जाएगा खाने में क्या मिल रहा है। कल शाम को एक टुकड़े में मिला था खाली चावल, फिर किस तरह से आया पूरी, पूरी भी हमको लगता है कि बहुत पहले की थी, कल का नहीं था। तो कलेक्टर महोदय से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो लोग संक्रमण नहीं पाए गए उन्हें स्वतंत्र रूप से घर पहुँचाया जाए किसी न किसी माध्यम से। नहीं तो व्यवस्था मतलब खाए पिए कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रही सर। आप बताइए, आप लोग अभी खट्टा मत हुई, ये बताइए। अरे आप अब रूम में जाएंगे तभी खाना मिलेगा, सबको मिल जाएगा। राजी 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 अभी ना दे सर, नहीं देख, ये देखिए यहाँ लोग खड़े हैं, आप अपना बच्चे दूरी दूरी खड़े हो, मदद तब हो जब अपना बच्चे पालन करो कुछ, नहीं तो कौन आई। यह स्थिति है, देखी लागे अपना बच्चे, दर्दनाक स्थिति है। प्रशासन दावा जरूर करत है कि हम 100 बेड के क्वारंटाइन करी लागे, किंतु इनका स्थिति यह है कि एक केला एक संतरा के दम पर इनका सुबह से अभी तक रखा गया है। तो कहा जो या दान दाता जो दान कह रहे हैं जो फंड दिन जाल लागे तो काहे का दिन जाल ला है, सवाल यह खड़ा होता है। व्यवस्थापक से एक बार फिर हम जाने चाहब कि यह बताइए कि लोगन का केला उस संतरा से पेट भरा जा सकते है। देखिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ सुबह नमकीन दिया गया है, समोसे दिए गए हैं, केले संतरा दिए गए हैं। उसके बाद मेरी CMHO साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 15 मिनट रुकिए, यहाँ की लाइट काट दी गई है, पानी नहीं, लाइट को गए सिर्फ 15-20 मिनट हुए हैं, लाइट थी शुरू से यहाँ, पानी नहीं है, पानी अधीक्षक साहब है यहाँ, पानी सुबह से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। चूंकि इतने सारे लोग है तो टंकी भरती खाली हुई थी, बार बार चालू कर रहे हैं, अभी लाइट गई हुई है तो कैसे मोटर चालू करेंगे वो लोग। कुल मिला के यह अपना पचे देख चुके हैं, किंतु अब यह है कि समाज सेवी थे आए गए हैं और भोजन के पैकेट लेके आए रहे हैं, जो भोजन है इन लोगों का करावा जी। किंतु प्रशासन के दावा की यदि हम बात करी तो स्थिति है ही कि लगातार जो है दावा किए जाते हैं, किंतु वो दावन में कितना अमल होता है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहे कि लोग यहाँ देखी लागे जैसा जेल में कैदी होते वह में बंद है, 68 लोग यह जो है छात्रावास में है, किंतु व्यवस्था के नाम पर सिर्फ कागज में है। तो अब स्थिति यह है कि एकर काम ही है आए कि लोगन तक जागरूकता पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे ये बात कि प्रशासन ध्यान दे कि यदि लोग हैं 68 लोग हैं तो इनके भोजन के भी उचित व्यवस्था हो। मेरे साथ हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रशरण सिंह चौहान जी, अभी फिलहाल अबे पहुँचे हैं मधुरी कोठार, मधुरी माँ छात्रावास, बाल आदिवासी बालक छात्रावास। इनसे जाने चाहब कि यह बताइए सरकार के यदि यह घोषणा है तो इंतजामों की करे के व्यवस्था बनाई गई, इतना दान दिन गा इतना रेड क्रॉस में दाना वाला है, यह स्थिति है कि एक केला एक सेव के मथरे लोग जिंदा रही। निश्चित रूप से अगर इतना कम व्यवस्था है तो बड़ा दुखद है, लेकिन सुबह अपने का लगभग 10:30-11 बजे जानकारी है, और जब जानकारी भाई तो कलेक्टर साहब से हमारा बात है, एक दर की सुबह दीनदयाल रसोई से इनका सबका नाश्ता आवा है, सबका नाश्ता देवाए दिन का है। अब ये अलग बात यह कि केला उसे भर के बात कर रहा, इनका नाश्ता दे बाबा का हो ही पूछा जाए बताई, और बहने भोजन के पैकेटों हम लेवा के आए हैं। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर केवल केला सेव दिन का सुबह से यह चिंतनीय है, नहीं तो यह बताइए हम सब माने के तैयार हैं का समाज सेवी यदि मान ली ठीक है अपना पंचे अपने जान में जोखिम कह के शहर भागी रहे हैं इनके लगे आए, तो यदि अपना पचे मोदी जी के नियम के पालन का है कि उल्लंघन अपना कह रहे हैं, वो यदि कहे हैं कि अपने घर में बंद रही तब उल्लंघन तो अपना करी लागे, किंतु प्रशासन की जवाबदारी जब बना थी कि ऐसा व्यवस्था का जो है व्यवस्था का व्यवस्था में तब्दील की जाए तो ओकर का दायित्व तो है अपना का लागत। नहीं हमारे यह मानव है कि प्रशासन का चुस्त दुरुस्त रहा चाहिए, और पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में एक एक व्यक्ति के को गरीब भूखा न रहे, ऐसा न हो कि नाश्ता न मिले, मिले चाहिए। अगर जो ने प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी यहाँ तय है अगर वो व्यवस्था नहीं करी नहीं है सुबह से चिंता नहीं करी उनके खिलाफ एक्शन हो चाहिए। 100 बिस्तर लगाए गए हैं, 100 बिस्तर जो लगाए गए हैं 68 लोग हैं, इनकर शिकायत थी कि ना हमारे लगे पानी की व्यवस्था है, लाइट जो है बंद ही। अब बताइए हम पचे कऊ में यह रही कऊ में व्यवस्था बनाई कि व्यवस्था में है कि कहा है, तो अपना का लागत कि लाइट बिजली और इंतजाम के बेहतर व्यवस्था हो चाहिए कि
काम चलाओ उससे काम चल जाए। ना 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 100% बेहतर व्यवस्था हो चाहिए, ऐसे कि बेचारे गरीब दूर से आए हैं और इन्हों की जिंदगी बड़ी अनमोल है, या उन्हों खातिर का, उनके परिवार खातिर का, हमारे पचन का और देश खातिर का, ऐसे लाइटा हो चाहिए, उनका खाना बढ़िया मिले चाहिए और जो सोशल डिस्टेंस है ओकर जो मानक बना है दूरी बनी रह चाहिए। लेकिन रही बात उल्लंघन के, अब पिछला प्रश्न अपना हमसे करें कि मोदी जी के जो आदेश है या शिवराज जी के, अपना दिखन वही कि मोदी जी का तो नहीं लेकिन अपना शिवराज जी का या भूपेश बघेल जी का दिखन हुई कि क्षेत्र में जाए के निकल के और लोगन के समस्या जाने के प्रयास कर ला। और हमारा पचन के दायित्व बनत है कि शासन तो लगा है लेकिन हम पचे जे नहीं अपना अपना का यह लागत है कि यदि अपना के ऊपर, हम नहीं कही भगवान न करे केहू के ऊपर संक्रमण जाए, यदि मान ली खाने बांटत कौन ऐसा जगह पहुंची थे जहां संक्रमित लोग हैं, तो यदि संक्रमित हो ही थे तो का ये प्रशासन के वाहवाही के बात हुई कि ओकर नाकामी के बात नाकामी हुई नहीं, तो यह बताइए यदि अपना पचे व्यवस्था बनाए दी है तो ओकर प्रशासन का सौंप दे, अपना पचन का बागे के साथ में का जरूरत है। अपनों की यह सुझाव अच्छा है और हम पचे यह व्यवस्था करी ला है, आज बात होत रही है कि इनका सबका बढ़िया भोजन मिल जाए, एक चिंता प्रशासन करे और अपना पैसा के इंतजाम कह दी, अनाज के इंतजाम कह दी, सारा इंतजाम कहे के बाद अपने घरन से अपना उका मॉनिटरिंग कह सकी थे ना। हाँ, कहे कि जो समाज के अनावश्यक भीड़ समाज सेवी बनाए रहे हैं तो वह खतरा के विषय है। हाँ बिल्कुल, हम यह मानी थे कि अगर ज्यादा लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहा बाबाही लूटे खातिर का यह खतरनाक हुई। लेकिन एक बात कनिष्क जी अपना स्वीकार करी कि जो लोग आगे बढ़े हैं और गरीबन के पीड़ितन के सेवा करे के तत्पर भी हैं और जब अपना पची ये मीडिया में दिखाई लाए तो बहुत सारे समाज से भी दान देता अपन पेटी खोली नहीं और दान दे कर आगे आए हैं और ऐसे लोग बहुत सारे दान कर रहा देकर फायदा हुआ है। लेकिन संक्रमण से बचे चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखे चाहिए और जौन हम कपे के देख है तो हम पचे शासन का सौंपी और शासन उखा जब कर्मचारी हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करा तो बेहतर हुई। हाँ तो बात यह ही और एक संदेश है प्रशासनों का कि यह जो एटम बम हम पचे खुदों अब बनाई जाए लागे जो समाज सेवा के ये भूत सवार हो गया है और हम पचे खुद सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कर पाई लगा है, लोग समाज सेवा के चलते संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आ जाए तो स्थिति का हुई बहुत भयावह हुई। इंसान जी मतलब अपना से हम सिर्फ ये है जानकारी चाहिए थे कि का ऐसा कदम नहीं उठावा जाए इसके जो समाज सेवा के रूप में लोगन के बीच में पहुंचल लागे और संख्या बहुत ज़्यादा हो रही तो उनके खातिर कुछ ऐसा बात अपना कही जाए या प्रशासन से मांग की जाए कि अब लोग सिर्फ प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन जेका जब बंटवावे कोई तो ओकर जिम्मेदारी है। यह निश्चित रूप से वक्त आ गया है कि केवल जो दानदाता हाँ सहयोगीगण हाँ जे समाज की सेवा करे चाह हाँ अब वो घरे से रह के करा और हम बात करब जो अपना के बात है अपना बात रखी उन लोग रखी हम कलेक्टर साहब से चर्चा करब कि अब यह ज़्यादा उचित है कि हम पचे जब कुछ है तो वो अपना का सौंपी कि उनका टीम तो लगी लागी उनका पूरा अमला लगा है, नायब तहसीलदार सरपंच सचिव रोजगार सहायक ये सब मौके में मौजूद है, तब फिर अनावश्यक भीड़ या कहों कहों एक एटम बम पूरी तरह से सहमत है, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आओ अगर को जाए है तो का अकेले जाए चाहिए ठीक आओ जाए न चाहिए, अब तो यह व्यवस्था बने चाहिए कि हम पचे अपन अपन सामान उनका जो बनाई ला है वह प्रदान कर दी और वो आए के व्यवस्था दिखवा। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात निकल के सामने आवल लागी कि अब जो है समाज सेवी जो है एक भीड़ के रूप में आ रहे हैं तो वह भीड़ों कहो न कहो देश की तीर समाज की तीर प्रदेश का खतरनाक है, ऐसे अब आवश्यक है कि प्रशासन एक नज़र यह रूप में देखे। बच्चे खड़े हैं मधुरी के छात्रावास में बालक छात्रावास में जहाँ समाजसेवी लालचंद जी आए हैं, लालचंद जी भोजन बांट रहे हैं। लालचंद जी कौने हिसाब से ये सोचन कि मतलब अब लोगन तक पहुँच के यह बांटा जाए भोजन बांटा जाए का कैसा विचार है? जब माननीय कलेक्टर साहब के पहली बार बैठक है वह बैठक में हम लोगों के आमंत्रित किए गए और जब आमंत्रित किए गए तो हम बजे गए तो कलेक्टर साहब से पहला प्रस्ताव रखें कि भाई कुछ लोग ऐसा शहर में हैं जी अपने से कुछ व्यवस्था करे चाहते हैं गरीबन की, बस अपना आदेश दे लोग शहर सीधी शहर में व्यापारी वर्ग आम नागरिक सब तैयार है तो कहीं नहीं ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है आपकी, ये पहल स्वागत योग्य है और हम ही सोचते हैं कि सीधी जिला की
या अन्य जिला में। जैसे हम अभी परसों, हमारा चौथा दिन है, आज चौथा दिन हमारा शुरू है, हम उनके बाईपास चौराहा खड़े रहें, वो कहते बरियमा से सतना के 21 आदिवासी लड़का हैं, और ये कहें कि हम 3 दिन से पैदल आई ला गए और जंगल जंगल कहाँ हमका खाना पानी नहीं मिला, हम उनका तुरंत उपलब्ध करा। निश्चित तौर पर लालचंद जी अपना पचे जो ये जनसेवा कह रहे हैं वास्तव में बड़ी चीज़ है, किंतु यह सवाल उठा थे लालचंद जी अपनों सोचत हो कि जो भीड़ का मना किन जाल लागे लगातार कि भीड़ ना बना पावे भीड़ ना बना पावे, तो यदि हम पचे यदि जागरूक लोग पढ़े लिखे लोग भीड़ का बढ़ावे में सहयोग करब तो क्या संभव है? नहीं नहीं, भीड़ के बयावक सहयोग नहीं किन जाल लागा है, भीड़ सीमित रहा है, 5 जने के बाद भय, 5 जने, 4 जने, 5 जने रहते हैं, 5 जने के प्रशासन से बात भई है, और भीड़ बढ़ावे के हम कोनो औचित्य नहीं है कि भीड़ बढ़े, सिर्फ गरीब जो आए हैं, जो बाहर से आए उनके तक सुविधा भोजन पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, जो जरूरी है। लालचंद जी, यह लागत है का अपना का कि अब यह जरूरत आई गई, यह स्थिति बन चुकी है कि शहर में अब समाज सेवा के नाम से बहुत ज़्यादा मतलब अव्यवस्था बन रही है, जो उन्हें में गाँव गाँव लोग जा रहे हैं तो मतलब कहूँ कहूँ ऊँ संक्रमित हो सकते थे, तो कहा ऐसा नहीं लागे अपना का कि अब प्रशासन का सलगी सामग्री दे दी जाए, प्रशासन का अपने स्तर से बंटवावे के प्रयास करें? बात उतनी न हुई, चाहे हम पजे बांटी चाहे प्रशासन बांटे। नहीं नहीं, प्रशासन के बांटे से यह है कि उनके नहीं नहीं, हमारे सुनी प्रशासन बांटी तो वह ना आदमी है, एक एक जने तो नहीं ना, वह तो 3 जने 4 जने रही, अकेले तो रही ना, तहसीलदार रही उनका अमला रही, थानेदार रही उनका अमला रही, तो कहाँ अपना कहाँ देखिए, अगर ओंग बटी तो 3 या 4 जने रही, तो 3-4 जने इतना जरूर है कि जैसे इनका 2 बार टेस्ट हो चुका, ये सब निगेटिव पाए, तो इनसे तब ये नहीं है दिक्कत ना कि ये बेचारे ऐसा। यदि अपना का हम स्पष्ट करें चाहिए बात कि लगभग अपना को बताया दी 10 दिन के अभी जो स्थिति आई है कि 10 दिन तक बाद जो है केस बिगड़ सकत है, एकल संक्रमण के पता 10 दिन बाद लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुरंत लगी। बिल्कुल अपना सही बात करी, तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के हम बात करी। हाँ नहीं, वह दूरी बनाए के चले चाहिए, वह दूरी बनाए के चले चाहिए, और प्रशासन है, प्रशासन अगर निर्णय लेत है कि भाई ये नहीं है, हम अपने स्तर पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कोनो दिक्कत नहीं है, करा का है भाई, हम तो बजे तो ऐसे करी लागे कि भाई जी हम आई सीधी की धरती से, एक इतने क्रॉस हो तो भूखा ही ना जा, उधर खाए पी के जा, राजनीतिक दल अलग स्थिति है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचे जाए हर व्यक्ति के कि कैसा हम सुविधा इनके तक पहुंच जाए, बेचारे भूखे ना जाए। जी तो मतलब जरूरी हम अपना से बात यहीं से करी लागे कि अपना मांग करी, लोगन से मांग करी कि भीड़ के हिस्सा ना बने, प्रशासन तक अपन मदद पहुंचावे, प्रशासन का आगे डिस्ट्रीब्यूट करे, अपना अपील कर दी। नहीं बिल्कुल, आम जन से मैं अपील करी थे, जिन वास्तव में बीमार है, जिनका लोग मोटरसाइकिल में जाते कहीं जेल आ गया हॉस्पिटल, जौन वास्तव में जिनका जरूरत है उनका व्यथित न करा, वो फालतू शहर में न घूमा, अपने घरे में रहा और भीड़ कंट्रोल करा, एक जन प्रशासन अगर कह दीजिए एक जने सब्जी ले आमा तो एक जने सब्जी ले आमा, रोज सब्जी की दुकान खुलती है तो नहीं आगे 10 किलो लाइए, 4 दिन बंद रही, 8 दिन बंद रही, तो सबसे हम जनता से अपील करी थे वह दूरी बना के रखा और सड़क में फालतू ना घूमा, और दूरी के जो प्रशासन नियुक्त करे 1 मीटर की दूरी, अगर चलता हूँ दूसरे तो वह दूरी बना के चला, हुआ मेंटेन कर चला, ये सबके स्वास्थ्य अपने आते हैं, चाहे बिगाड़ ले चाहे खराब कर ले, इसमें कोई दोष नहीं है, अपने आते हैं, अपन बचाव कर ले ना बचाव करत हो। चलिए धन्यवाद अपना रहे लालचंद जी जे, और लालचंद जी जैसा बहुत सीधी के लोग हैं जो बाकायदा मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किंतु सवाल अब यह खड़ा होते कि यह मदद करे वाले इनके जो भीड़ एकाएक बढ़ी गई ही, तो कहाँ ई यदि इनका कुछ हो पाई तो एक व्यक्ति कितने लोगों का संक्रमित करी, कहे कि संक्रमित लोगों के नज़दीक पहुँचाते हैं, उनका खाना देते हैं, तो एक यह सवाल उठा था कि या संक्रमण हम कंट्रोल कर रहे हैं या एकाऊ बढ़ाए रहे हैं, तो सवाल यह प्रशासन से है, प्रशासन एक बेहतर जवाब दे पाई।